जेईएम के उग्रवादी अनंतनाग गनफाइट में मारे गए, तलाशी अभियान जारी। जी हां, आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्री गुफारा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में एक कमांडर सहित दो जेएम आतंकवादी मारे गए और एक महिला घायल हो गई। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने जेएनएस को बताया कि एक मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी सहित दो आतंकवादी मारे गए। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कश्मीर। एक्स सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज आरएसपुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के महासचिव दर्शन कुमार ने की। इस मौके पर महासचिव ने कहा कि वो पिछले लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की आज पत्रकारिता वार्ता आरएसपुरा में, जो 50% टैक्स सेंट्रल आर्मेड पुलिस कंटीन पे लगाया गया है, लिक्विड पे। बड़ी शर्म की बात है, एक तो गवर्नमेंट ने अटारियों का डीए बंद कर दिया और एक उनकी पेंशन बहुत कम है, एक 50% जो कोरोना टैक्स लगाया 50% वो हमारे पर लगाया है। हम गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक्साइज कमिश्नर को, एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं, पर ये जो आपने टैक्स 50% कोरोना टैक्स लगाया है सिर्फ बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी पे, कंटिन्यू पे, इसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो आपके ऑफिस का, लाइक एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस का घराव किया जाएगा। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने ब्लॉक डेवलपमेंट चेयर पर्सन और साथ ही सरपंचों के साथ डाक बंगलों में बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक की हम जो है बारी बारी से अपनी मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें हमारे आज ब्लॉक सातरा की आज यहाँ पे मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ब्लॉक सातरा के जो चेयरपर्सन हैं मैडम वो, और इसके अलावा हमारे जितने भी सरपंच हजरात हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने इश्यूज रखे। हमारे जितने भी सरपंचेज हैं उन्होंने अपने यहाँ पर इशू रखे, और ऑफिसर्स ने भी उनका जो इश्यूज हैं उनको नोट डाउन भी किया। जो हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में भी उन लोगों को जो है, हमारे जो सरपंच हैं और जो हमारी बीडीसी चेयरपर्सन है उनको इत्तला दी गई, और आगे भी इसी टाइप से कोशिश रहेगी। जिला रियासी के तहसील पौनी के अंदर पड़ने वाले पंचायत गजोड़ और हैरालैंड में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से किसान और जमींदारों के लिए किसान फगवाड़ा सीवर लगवाया गया। इसके तहत किसानों ने एग्रीकल्चर लेन, केसीसी, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं पर लोन, हर किसान के खाते में 2000 आने और सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रही है उसके बारे में बताया गया। हरदीप जम्वाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर आरईटी टीचर्स फोरम ने शिक्षा निर्देशक जम्मू कार्यालय में पहुंचकर पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह द्वारा किए गए व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि शिक्षा निर्देशक जम्मू ईमानदारी से जम्मू प्रांत के शिक्षकों और विद्यार्थियों के हक के लिए अच्छा काम कर रही है और बिना सबूत के उन पर रिश्वत के आरोप लगाना सरासर गलत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उधमपुर द्वारा स्कूल और कॉलेजों से क्वारंटाइन सेंटरों को शिफ्ट करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व उधमपुर नगर मंत्री हरदीप जामवाल द्वारा किया गया। जामवाल ने कहा कि हम सब के ध्यान में है, हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को अपनी मार्कशीट लेने के लिए अन्य किसी जरूरी काम को लेकर स्कूल में अक्सर आना जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को अपनी जान की बाजी लगाकर स्कूल में जाना पड़ रहा है और विद्यार्थियों के घर वालों के मन में आशंका पैदा हो रही है। इस तरह अगर क्वारंटाइन सेंटर स्कूल में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल में डालने के बारे में भी सोचने लगे हैं। रामगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
प्रश्न प्रदेश सहाय मंत्री आज उधमपुर जिला प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर किया है, वो इस चीज़ को लेकर किया है कि उधमपुर जिला के अंदर स्कूल और कॉलेजेस में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। सबसे पहला कारण ये है कि 10वीं और 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट निकला विद्यार्थियों को मार्कशीट लेने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर होंगे वो कैसे जाएंगे। बिलावर उपजिला ग्राम कोट तहसील की थड़ाकालाल पंचायत जहां पर आज नारायण दत्त त्रिपाठी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर वेटनरी डॉक्टर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सदस्यों से विचार विमर्श करा। इस समय किसानों के लिए जो साधन उपयुक्त हैं उन तक पहुंचाए जाएंगे। सुंदरबनी डोक मनियाड़ पंचायत हल्का नहा वार्ड नंबर 5 की पंचायत ममता बगवाल ने किसानों को स्प्रे पंप किए वितरित। मैं इंसानियत ग्रुप का चेयरमैन अरविंदर सिंह उर्फ नैनू मंगवाल हूँ। ये पंचायत हल्का ना और वार्ड नंबर 5 है जहाँ मेरी वाइफ है जो पंच है 5 नंबर वार्ड में, पंचायत हल्का नाम है। लेकिन कुछ स्कीमें आई थी जैसे पंप स्प्रे था, हमारे किसान तबके को चाहिए थे, दो दो साल से वो फॉर्म भरे हुए थे एग्रीकल्चर में, लेकिन जहाँ जाते थे आज मिलेगा कल मिलेगा। कुछ प्रशासन की तरफ से स्कीमें आई लेकिन वो स्कीमें सिर्फ सुंदरबनी तक ही सीमित रही, सुंदरबनी के आगे वो नहीं चल पाई क्योंकि हमारी तहसील बैरीवतन पड़ती है, बॉर्डर एरिया है, 0 किलोमीटर है। जो भी स्कीमें आती हैं वो सुंदरबनी की तरफ से ही आगे वहां ही डिम हो जाती हैं और आगे हमारे किसानों तक पहुंच जाए। और जब से मैं इंसानियत एनजीओ चला रहा हूं हमारा सिर्फ लड़ाई यही है कि जो गरीब तबके के लिए जो फैसिलिटी आती हैं वो इन्हें मिले। गोपाल कृष्ण शर्मा, मैं डोगमरियाड़ गांव से बोल रहा हूं, वार्ड नंबर 5 से बोल रहे हैं और हमारा हल्का नाम पड़ता है जहां हम, इसलिए हमारे पंच साहब ने हमें जहां बुलाया गया है कि हमें ये अपनी तरफ से ये पंप सैनिटाइजर और मास्क दिए हैं। अदिति शर्मा ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया और एमआरआई मशीन को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाने की मांग की। प्रदीप के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। ये कई दिनों पहले एक मशीन की, एमआरआई मशीन की डिमांड हुई थी, वो हुई थी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। तो आज जब ये आई है, मशीन आ चुकी है, एमआरआई मशीन आ चुकी है और एक मशीन हम सब जानते हैं कि जीएमसी में लगी है, लेकिन कोई भी मशीन इस वक्त तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं है। तो इतना मतलब मशीन आने के बाद अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये मशीन जो है वो जीएमसी में लगेगी, जबकि यहाँ पर ना तो उसकी ज़रूरत है ना ही उसके लिए जगह है यहाँ पर। तो और एकदम से इतना सारा क्राउड जो है वो भी यहाँ पर हो जाता है और वैसे भी कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ पर रश जितना कम हो उतना अच्छा है। सुंब के लोगों की तरफ से पंकज शर्मा के साथ राहुल संबयाल चेयरमैन यूथ फॉर सोसाइटी के नेतृत्व में सीस्ट मंडल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन पवन कोहली और कॉरपोरेटर विनोद सिंह धोनी बिन्नी से मिला, जिससे उनसे ये अपील की गई कि सुंब में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केस आने के कारण सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाए, जिसे पवन कोहली चेयरमैन द्वारा मान लिया गया और उसके बाद सुंब में म्युनिसिपलिटी की तरफ से एक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस ने माइनिंग माफियों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदीप के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट विकास शर्मा जी लंबेड़ी ब्लॉक के BDC चेयरपर्सन हैं। पिछले दिनों इन्होंने माइनिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो पूरे सुंदरबनी नौशहरा लंबेड़ी के तमाम एरियाज के अंदर जो है वो इन्होंने एक मुहिम बहुत बड़ी छेड़ी है। उसी मुहिम के चलते हुए जो एक नेक्सिस, एक माफिया जो है माइनिंग माफिया जो है उन्होंने इनके खिलाफ एक माहौल बनाया वहाँ पे और उसके चलते हुए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया वो गलत तरीके से लाया गया। मैं BDC चेयरपर्सन विकास शर्मा लंबेड़ी ब्लॉक से और वाइस प्रेसिडेंट ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस, जैसे कि अनिल जी ने आप सबको बताया कि किस तरीके से जो माइनिंग माफिया है हमारी ऑल ओवर J&K स्टेट की बात की जाए तो इसकी जड़ें जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो गठजोड़ है वो होती मजबूत है। इनकी मिलीभगत से जो है इलीगल माइनिंग जो है की जा रही है लगातार ऑल ओवर स्टेट में और गाइडलाइंस की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनकी पालना नहीं की जा रही, उसके विरुद्ध जो है हमने एक मुहिम छेड़ रखी थी अपने इलाके में। तो
इन क्रशर वालों ने, इन भट्ठे वालों ने मिलकर सब ने हमारे जो पीआरआई सरपंचीज थे उनको पैसा चढ़ाकर हमारे खिलाफ एक साजिश रची, जिस साजिश को जो है मैं धन्यवाद करूंगा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिन्होंने मुझे रिलीफ दी। क्यों समाज सेवी सुनील टिम्पल ने बेन हॉस्पिटल और जम्मू में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर चिंता जताई। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबर नाउ। सुनील टिम्पल जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट का और जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उपराज्यपाल साहब से और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से यह गुहार लगाता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। आज तालाब तिल्लो बीएन अस्पताल को सील कर दिया गया, कोविड का केस वहां से मिला। विकास लेन, तालाब तिल्लो, गोलपुली और उस्ताद मोहल्ला में तेजी के साथ फैल रहा है। आज न्यू प्लॉट कृष्णा बिल्डिंग के पास भी एक कोरोना वायरस के कोरोना योद्धा को कोविड-19 कोरोना वायरस पाया गया। जागनू के लोगों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का धार रोड से जागनू टॉप तक ब्लैक टॉपिंग करवाने के लिए शुक्रिया किया। कुलदीप कुमार रामनगरिया की रिपोर्ट। मेरा नाम विवेक गुप्ता, भाजपा अध्यक्ष उधमपुर मंडल। आज हमारा जगानू में प्रवास हुआ है, अपनी टीम के साथ इधर आए हैं। कई सालों से जगानू के लोगों की एक डिमांड थी कि इस रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम किया जाए, तो कुछ लोगों ने हमारे साथ अप्रोच की थी कुछ वर्ष पहले, लेकिन किसी राजनीति कारणों के कारण इस रोड का काम बड़े सालों से रुक रहा था। तो हमने इन लोगों की आवाज़ माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक पहुँचाई। उन्होंने पर्सनली इनिशिएटिव लेते हुए लगभग 3 साल वर्ष पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं की माननीय डीसी रविंदर जी से बात करवाई, उसके साथ ही जिस रोड का काम PMGSY के तहत इनिशिएटिव लेना शुरू हो गया था। तो आज मुबारक की बात है जगानू के लोगों को कि आज कुछ इनिशिएटिव लेने के बाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयासों के बाद आज इस रोड में लुक का काम शुरू हो गया है और लोगों को बड़ी राहत का अनुभव हो रहा है। गबरू मेंस लग्जरी सैलून सर्विसेज अवेलेबल, एडवांस हेयर कट, बियर्ड, फैशन हेयर कलर, स्मूथनिंग एंड केराटिन, फेसियल, डीटैन, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाइलाइट्स। अपोजिट एस्क्वास्ट मेन रोड, आरएसपुरा, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9622386022।